सहना सहनावतो सहनोभुन सह वीर कर्वा वहै तेजस्विनावितमस्है शाति शाति शांति वेदों में मन का स्वरूप इस स्वाध्याय में आप सभी दर्शकों का श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है हम एक भी शब्द यदि एक मंत्र से एक श्लोक से एक सूत्र से ग्रहण करते हैं और अपने से बड़ों का यदि हम आदर करते हैं उनकी बात को भी सुनते हैं सत्संग करते हैं स्वाध्याय करते हैं और कोई एक बात भी हमारे इस मस्तिष्क में बैठ जाए तो हमारे लिए वही कल्याणकारी हो जाता है एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्त स्वर्ग लोके काम धुप भवती उस एक शब्द को ही हम पकड़ करके उसको जीवन में उतार लें उसको अपने व्यवहार में उतार लें उसका प्रयोग अपने जीवन में हम करें तो निसंदेह यह जीवन अत्यंत आनंदित हो जाता है इस जीवन यात्रा में हमको अतिशय सफलता की प्राप्ति होती है जीवन यात्रा के जो आ, साधन है उनमें यह बहुत आवश्यक है कि जो हम पढ़ें समझे जानें उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करें जीवन यात्रा के चार प्रयाण बताए हैं बहुत ही सुंदर यह वेद मंत्र है सामवेद का छह सौ यह मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा बहुत ही सुंदर मंत्र है प्रथम लिखता हूं फिर चर्चा करूंगा ओम विभ्राट berihat pi batu बृहत् पिवतु सौम्यम मधवायुर दद्यथ Mudfire no, दधत दधत यज्ञ पता यज्ञ पता व्यूहृतम उवातजूथ तो यो अभिक्षति অভিক্ষতি मना प्रजा पट्टी पर थी बहुधा विराजती सामवेद का छः मंत्र है ओम बृहत् पिबो सौम्यम मध्वायुर्दत्त यज पता वात जूथ यो अभिरक्षतीत्मना प्रजा पिपर्ति बहुधा विराजती ओम विभ्राट बृहत् पिबत सौम्यम मध्वायुर्दधत यद यजपतावा विवृत वात ज्योत यो अभिक्षत ये बहुधा विराजती बहुत सुंदर बात कही है कि ब्रह्मचर्य मानव जीवन की यात्रा में प्रथम जो प्रयाण है वह ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है और इसमें मनुष्य विभ्राट विशेष रूप से भ्राज दीप्ति दीप्त होने वाला अर्थात चमकने वाला होता है या चमकने वाला बने आचार्य के द्वारा इसकी जानाग्नि पृथ्वी अंतरिक्ष और दिवलोक रूपी तीन संविधाओं से समृद्ध की जाती है और यह ब्रह्मचारी जान की दीप्ति से चमक उठता है इस आश्रम का मूल कर्तव्य ब्रह्म जान का जो है चर अर्थात भक्षण ही तो है बृहत ब्रीवृद्ध ब्रह्मचारी को सब दृष्टिकोणों से शरीर मन बुद्धि के जो विचार से बुद्धि का संपादन करना ज्ञान की दीप्ति के लिए तथा सब दृष्टिकोण से वृद्धि के लिए ब्रह्मचारी सोम्यम मधु सोम संबंधी मधु का पिद्वतु पान करे सोम अर्थात जो हमारा जीने का जो हमारे तेजस्विता का आधार है जो जिसको हम धातु अंतिम धातु के रूप में तेज ओज वीर के रूप में जानते हैं और आहार का सार होने से यह मधु है मधु शहद भी पुष्प रसों का सार ही होता है इस प्रकार से जो मन पर पूरा नियंत्रण करके ब्रह्मचर्य का पालन करता है ब्रह्मचर्य से युक्त होता है वह सारे रोगों को भस्म कर देता है इस वीर रक्षा से ही यह अपनी जानाग्नि को समिध करेगा इसी से रोग कर्मियों को नष्ट करके यह शरीर को भी निरोग बनाएगा और वीरवान होने पर द्वेष की भावना से ऊपर उठ के निर्मल मन वाला होता है यह पहला जो प्रयाण है और जीवन यात्रा का दूसरा प्रयाण है गृहस्थ जब यह ब्रह्मचारी गृहस्थ में प्रवेश करता है ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या बल बुद्धि जान हर प्रकार से अपने आप को पुष्पित पल्लित करके पूर्ण रूप से समर्थ हो जाता है और दिव्य भाव के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है दिव्य संतान से और अपने कर्तव्य के पालन से युक्त तो होता हुआ जब यह गृहस्थ में प्रवेश करता है तो यहाँ इसे ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ पितृयज्ञ अतिथि यज्ञ और बलिवैश्व देव यज्ञ जो पंच महायज्ञों के नाम से जाने जाते हैं उनको करते हुए आगे बढ़ता है इन यज्ञों के कर्तव्य का स्वयं कभी गर्व ना करे कभी अहंकार ना करे अपितु इनमें पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ निरत रहे उस प्रभु को ही इन यज्ञों के पति के रूप में देखना है प्रभु की कृपा से ही ये पूर्ण होते हैं पंच महायज्ञों का भी अनुष्ठान प्रभु के ही सामर्थ्य से हम कर पाते हैं प्रभु की ही कृपा से हम अपने इस जीवन यात्रा को भी अच्छा बनाते हैं जीवन यज्ञ को अच्छा बनाते हैं और पंच महायज्ञ जो हैं वो भी बड़े सौभाग्य से जो गृहस्थ हैं क्योंकि गृहस्थ सब आश्रमों का आश्रयदाता है और गृहस्थ को ये पंच महायज्ञों का करना अनिवार्य बताया है तो इस प्रकार से वह जो है यज्ञ में जब लीन होता है, तलीन होता है, है, तो प्रभु का उसको विशेष रूप से उसकी कृपा दृष्टि उसके ऊपर होती है और यज्ञस्य देवम यज्ञों के प्रकाशक हैं जो प्रभु होतारम रत्नधात्म जो कहा है तो वस्तुतः होता प्रभु ही है हम तो केवल निमित्त मात्र हैं हम केवल निमित्त मात्र हैं जो शक्ति संपन्नता है जो यश कीर्ति है जो कुछ भी हमारे जीवन और जगत में घटित हो रहा है उस प्रभु के विधान और उसके द्वारा ही उसकी शक्ति के कारण ही उसके सामर्थ्य के कारण ही हो पा रहा है हमारा तो लेश मात्र भी जो है बिल्कुल सामर्थ्य ही नहीं किसी कार्य में या किसी जो है गति में उसी के गति से हम गति कर पाते हैं क्योंकि वह गति स्वयं ना करके गति देने वाला है तदे जति तन्ने जति तद दूर के तदंतरस्थ्य सर्वस्थ तदो सर्वस्यास्त बाह्यता तो वह यज्ञपति है यज्ञपत उस यज्ञों के रक्षक प्रभु में अविहृतहा अविहृतम कुटिलता से शून्य आयु जीवन को ददत धारण करता हुआ यह गृहस्थ जीवन यात्रा में आगे बढ़े एवं गृहस्थ के लिए तीन बातें विशेष रूप से कि यज्ञ में जीवन बिताए यज्ञों का कभी गर्व ना करें अहंकार ना करें और यशस्वी यज्ञपति बने कुटिलता से सदा दूर रहे यदि हम गृहस्थ में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो ये तीन चीजें जो विशेष रूप से कही हैं कि यज्ञों का करने वाला हो यज्ञ जीवन हो उसका और यज्ञ का अहंकार ना करे गर्व ना करे और यज्ञपति बने कुटिलता से छल कपट से दूर रहे तीसरा जो प्रयाण है वह है वानप्रस्थ इस गृहस्थ जो आश्रम है अब यह गृहस्थ वानप्रस्थ बनता है तो वानप्रस्थ यह है यह जो वात जूत प्राणों से प्रेरित हुआत्मना आत्मना अपने मन के द्वारा अभिरक्षती अपनी सर्वथा सर्वतः जो है रक्षा करता है हर प्रकार के रोगों से हर प्रकार के भोगों से हर प्रकार के जो दुरित हैं दुर्गुण हैं दुर्व्यसन है उनसे अपनी रक्षा करते हुए प्राणायाम की नियमित साधना से यह वृत्ति का निरोध करता है और इस निरुद्ध चित्त के द्वारा यह अपनी रक्षा करता है क्योंकि बिना मन के बिना चित्त के निरुद्ध किए कोई भी साधना में सफल नहीं हो सकता है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो मनुष्य का मन उसके बंधन और उसके मोक्ष का कारण होता है जब विषयों के साथ लग जाता है तो नरकगामी हो जाता है और जब विषयों से मुक्त हो जाता है तो मुक्ति को मोक्ष को प्राप्त कर लेता है इसलिए मन ही तो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण बनता है मन मित्र भी है मन शत्रु भी है मन को वश में कर लिया तो यह मित्र हो गया और यदि मन के वश में आ गए मन की मनमानी चल पड़ी मन के अधीन हो गए मन के हम यदि पराधीन हो गए तो फिर यह शत्रु के समान कार्य करता है मन को वश में जो है करने के लिए प्राण शक्ति साधना और ईश्वर भक्ति के साथ सत्संग के साथ जीवन को बिताना इस मन की वृत्ति को वशीभूत करने के लिए निश्चित रूप से हमको जो है साधक तमम जैसे कर्णम कहा साधक तमम तो यह जो साधकम है साधना के लिए जो साधना का सबसे सुंदर साधन हो सकता है वह है प्राणायाम एवं वानप्रस्थ में जो प्राणायाम करता है इसके द्वारा चित्त वृत्ति को वश में करने का प्रयत्न करता है तथा रक्षित चित्त के द्वारा आसुर वृत्तियों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर पाता है आसुरी प्रवृत्तियों से वह बच पाता है वह कभी भी उनके जो है चक्र में उनके षडयंत्र में फंसता नहीं है और फिर चौथा जो प्रयाण है जीवन का वह है ब्रह्माश्रमी साधना से युक्त और सन्यास धर्म से जो है युक्त तो कहा कि साधना के बाद जब आज यह मानव जीवन यात्रा की अंतिम जो है अंतिम लक्ष्य की ओर अंतिम जो आ, हमारा जो है गंतव्य है तो उसमें प्रवेश करता है और यहाँ प्रजा प्रजाओं का पिपरती पालन व पूर्ण करता है उन्हें प्रभु का उपदेश देता हुआ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है उसके दोषों को उचित प्रेरणा के द्वारा दूर करने का प्रयत्न करता है और यह बहुधा बहुतों का धारण करने वाला विराजति विशेष रूप से दीप्त होता है मानव मात्र का पालन करते हुए सब प्रकार के स्वार्थों से ऊपर उठकर के कारण विशेष जो है जो चमक वाला होता है सबके पालन करने वाले सूर्य की भांति जो अपने को प्रकाशित करता है सबको प्रकाश देता है विभ्राट सौर्य वह विभ्राट सौर्य कहलाता है इस प्रकार अपनी जीवन यात्रा को सफलता के साथ समाप्त करता है हम अपनी जीवन यात्रा के सभी प्रयाणों को उत्तमता से पूर्ण करने वाले हों हमारा ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम यशस्वी हों हम उन आश्रमों की मर्यादा का पूरा पालन करने वाले हों एक बार भी हमारा जो मन का कुविचार है कुसंस्कार है वो जो वृत्ति है जो जन्म जन्मांतरों से हमको प्राप्त है उसके हम शुद्धिकरण का काम करें उसके निरोध का काम करें उसके नियमन का कार्य करें और वह प्राणायाम से ही होगा प्राण से ही हमारे मन पर नियंत्रण होगा हमारे तन पर नियंत्रण होगा हमारे रोगों पर नियंत्रण होगा इस प्रकार से जो सदा सर्वदा सर्वत्र आगे बढ़ता जाता है वह जीवन यात्रा को अच्छी प्रकार से व्यतीत करता है नहीं तो जीवन बड़ा ही कठिन हो जाता है जीवन यात्रा में उसको अनेक बार कष्ट मिलते हैं और अनेक बार क्या व्यक्ति को कष्ट ही कष्ट घेर के रखते हैं लेकिन जो साधना के पथ पर चलता है उसके कष्ट नष्ट हो जाते हैं उसको संसार के विषयों में आसक्ति नहीं है क्योंकि लोग स्वार्थ में फंस जाते हैं लोभ लालच में फंस जाते हैं जिससे वो पाप करते हैं जो साधक होता है उसके लिए जो कुछ भी उसने पुरुषार्थ करके पाया है जो प्राप्त है उसके लिए वही पर्याप्त है वह कभी भी हिंसा नहीं करता कभी भी झूठ नहीं बोलता कभी फरेब नहीं करता और वासनाओं को नियंत्रण में करता है मन को जब नियंत्रण में कर लिया तो मन जब नियंत्रण में है जब तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं तो मन तो हमारे लिए शत्रु का भी काम करता है और मित्र का भी काम करता है तो म, मित्र बन करके रहे मित्र बन करके रहेगा तो कल्याण ही कल्याण है और शत्रु बन करके रहेगा तो बार-बार हमको पतित करेगा बार-बार हमको मन पता नहीं कहाँ से कहाँ एक मिनट में किसी रूप को देख करके रंग को देख करके रस को चक करके शब्द को सुन करके स्पर्श करके पता नहीं कितना पाप से युक्त हो जाता है और यह मन बहुत ही गड़बड़ है यह मन न जाने क्या क्या दिखाए कुछ बन न पाया मेरे बनाए कुछ बन न पाया मेरे बनाए वह सदकर्म कर लू अपने स्वभाव में सद्भाव भर लू नर्तन पाया भव सिंधु ऐसा समय फिर आए न आए ऐसा समय फिर आए न आए हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए जीवन निरर्थक जाने न पाए, जाने न पाए। ओम शांति शांति शांति